बेसिकली इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनो, कि जैसे ए का और बी का इंटरेस्ट एंड सैलरी मिलाकर 40,000 बनता है और बी का 60,000 बनता है। मैं आपको तीन केस दिखा रहा हूं। केस वन, इसमें मान लो प्रॉफिट जो है आपका है 1,20,000, तो आप क्या करेंगे, ए को इंटरेस्ट और सैलरी 40 दे देंगे, बी को इंटरेस्ट और सैलरी 60 दे देंगे, यानी 1,00,000 रुपया दे देंगे, और उसके बाद प्रॉफिट कितना बचेगा, 20,000। 20,000 किस रेशियो में बांट देंगे, पीएसआर के रेशियो। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई डाउट? केस टू, अगर प्रॉफिट जो है 70,000, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, वो सिर्फ ये कहता है कि इंटरेस्ट और सैलरी देनी है बस, तो उस केस में प्रॉफिट तो क्या है हमारे पास, 70 है, जबकि इंटरेस्ट और सैलरी ही 1,00,000 बन रही है, तो आप उनको इंटरेस्ट और सैलरी 1,00,000 नहीं दोगे, जितना प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को इंटरेस्ट और सैलरी के रेशियो में बांट दो, यानी ए और बी में 40,000 और 60,000 के रेशियो में बढ़ जाएगा कौन सा अमाउंट, 70। लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह देता है कि उनको सैलरी और इंटरेस्ट देना ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, क्या इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, तो उस केस में 40,000 और 60,000 ही दिया जाएगा ए और बी को, ऐसा करने से 30,000 का लॉस आ जाएगा, फिर वो लॉस ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेगा। और ये वाली बात आपने तभी फॉलो कर ली जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहे कि आपने इंटरेस्ट और सैलरी देनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कोई डाउट? केस थ्री, अगर लॉस आ जाता है मान लो 40,000 और पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता है कि ए का इंटरेस्ट इतना है, बी का इंटरेस्ट इतना है, ए की सैलरी इतनी है, बी की सैलरी इतनी है, उस केस में लॉस आया, आप ए और बी को कुछ नहीं देंगे, वो इस लॉस 40,000 को पीएसआर में बियर करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कहा गया है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट और सैलरी दी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, उस केस में आप ए को इंटरेस्ट सैलरी 40 दे देंगे, बी को इंटरेस्ट सैलरी 60 दे देंगे, और ये जो आपका लॉस है 40,000 का, ये बढ़कर 1,40,000 हो जाएगा, और फिर 1,40,000 ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। कैसा लगा? कोई डाउट? आप कुछ प्रभात पूछना चाह रहे हैं? क्लियर? अब है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है इस्तेमाल, प्रॉफिट का इस्तेमाल। भाई प्रॉफिट का क्या हुआ? जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट को अपने आपस में बांटने के कई तरीके बना लेते हैं, और वो किस तरह से बटेगा इस चीज के दर्शन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कराते हैं। मोटा मोटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार का होता है। यहां सबसे पहले नेट प्रॉफिट आ जाता है, वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा, जिसके क्रेडिट साइड पे इनकम और डेबिट साइड पे क्या होंगे, खर्चे, वो वाला नेट प्रॉफिट आप यहां लिख देंगे। फिर अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तय किया हुआ है कि पार्टनर्स अगर पैसा ड्रॉ करेंगे हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो यहां आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब हुआ कि पार्टनर से फर्म चार्ज कर रही है, तो पार्टनर्स का तो खर्चा हो गया, फर्म की क्या हो गई, इनकम, फर्म की इनकम हुई इसलिए क्रेडिट कर। इसी तरह अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि जब फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी तो पार्टनर्स के लिए इनकम हो जाएगी, फर्म के लिए खर्चा हो जाएगा। इसी तरह अगर कहा गया है पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, तो यहां आ जाएगा टू सैलरी, कमीशन कहा गया है तो यहां हो जाएगा टू कमीशन। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा
जितना भी प्रॉफिट बचेगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के बीच में चला जाएगा, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में चला जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पर अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट सब चीजों को लेके साइलेंट है तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी, ना सैलरी होगी, ना कमीशन होगी, फिर तो ये नेट प्रॉफिट ही पीएसआर में बढ़ जाएगा। और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट पीएसआर को लेके भी साइलेंट है तो ये इक्वली बढ़ जाएगा। कैसा लगा, क्लियर? अब एक क्वेश्चन है जिससे हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कह रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन 4 लाख, तो बाय नेट प्रॉफिट 4 लाख। कहता ये तय हुआ है कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा, फर्स्ट पॉइंट में बोला गया, और फोर्थ पॉइंट में कैपिटल बताया, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का क्या हो जाएगा 4 लाख का 10% 40,000, बी का क्या हो जाएगा 2 लाख का 10% 20,000, सी का क्या हो जाएगा 3 लाख का 10% 30,000, कुल मिलाकर 90,000 इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर कहा गया भी सैलरी देनी है ए बी सी को 3,000, 4,000, 5,000 पर मंथ, तो 2 सैलरी आ जाएगी, ए को 3,000 रुपए के हिसाब से साल की 36,000, बी की 4,000 रुपए के हिसाब से साल की 48,000, सी की 5,000 के हिसाब से साल की 60,000, कुल मिला के कितनी हो गई है 1,44,000। फिर कहता है ड्रॉइंग्स पर जो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो 3,000, 4,000, 3,000 है, यहां आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए का बी का सी का 3,000, 4,000, 3,000, टोटल 10,000, और यहां आ जाएगा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, ए में बी में सी में बटेगा, देखना बैलेंस कितना आ रहा है प्रॉफिट का, जोर से बोले 1,76,000 आ रहा है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला है 2,3,5, बांटिए क्या क्या आएगा 35,200, कितना 52,888,000, पूरा ये आंसर जो मैंने निकाल दिया आपके सामने, ये उसका टाइप्ड वर्जन भी आ गया लिखा हुआ प्रिंटेड, कोई आप इसमें चीज जानना चाहे, किसी को कोई डाउट बढ़ जाएगा, कुछ पूछ लो इसमें। अच्छा जी, अब आता है कैपिटल एंड करंट अकाउंट। देखिए, 2 सिस्टम ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस के होते हैं, एक सिस्टम कहलाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसमें हम हर पार्टनर के रिगार्डिंग एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। उस कैपिटल अकाउंट में हम दुनिया भर की एंट्रियां कर देते हैं, जैसे पार्टनर कैपिटल लाएगा वो, पार्टनर कैपिटल ले जाएगा वो, पार्टनर ड्रॉइंग करेगा वो, उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी ले लेंगे, यानी हर प्रकार के एंट्रीज के अंदर आएंगे। इससे क्या होगा, ये कैपिटल अकाउंट रोज फ्लक्चुएट करेगा, इससे इसका नाम क्या बन गया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट?
तो रोजाना कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा, इसलिए इसका नाम बन जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसमें हम पार्टनर से रिलेटेड दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड बातें आएंगी, कैपिटल से रिलेटेड दो ही बातें होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और आपको पता होगा ये बहुत कम होता है, हर साल तो कैपिटल लाते हैं और ले नहीं जाते, इससे क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट नॉर्मली ऐसे चेंज नहीं होता, वो क्या रहता है फिक्स्ड। और बाकी जितनी भी चीजें हैं जैसे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी बातें प्रॉफिट, वो सब किस में आता है करंट अकाउंट पर। तो इसे करंट का मतलब ही होता है बदलते रहना, करंट का मतलब क्या होता है बदलते रहना। तो करंट अकाउंट का बैलेंस ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन कैपिटल का क्या रहेगा फिक्स्ड, और इस सिस्टम को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम। कोई डाउट इसके अंदर, कुछ पूछना चाहे? श्योर, बड़े आगे। अब देखते हैं कि बच्चे कैसे जवाब देते हैं। पहला प्रश्न, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट drawings is shown in current account, very good। अगर capital account fixed है तो drawings किसमें दिखाई जाएंगी current account। In case of fluctuating capital account drawings is shown in capital, इस केस में वो capital account में ही आएगी। In case of fluctuating capital account how many accounts related to partners are prepared, एक रिलेटेड टू पार्टनर्स आर प्रिपेयर्ड, वन फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट, और इन केस ऑफ फिक्स्ड टू, क्यों पार्टनर्स रिलेटेड दो अकाउंट होंगे, एक कैपिटल और एक करेंट। मजा आ गया, कोई डाउट? चलिए लिखिए।